बीते साल जून महीने में भिंड के एक युवती से मैट्रिमोनियल साइट पर डॉक्टर बनकर नाइजीरियन युवक जॉन जूलियस ने 5 लाख रुपए की ठगी की थी। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब ठगी मामले में गिरफ्तार युवक के अपराध में सहभागी पत्नी पल्लवी सोनोवाल को आज नोएडा की जेपी अमन सोसाइटी से भिंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल जीवनसाथी.com में फर्जी प्रोफाइल बनाकर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह के आरोपियों की धरपकड़ के तहत भिंड पुलिस ने आखिरकार करीब 15 महीने के बाद जून 2021 में ग्रोह के मास्टरमाइंड नाइजीरियन शख्स जॉन जूलियस और उसके 4 साथियों की गिरफ्तारी के बाद अब जॉन की आरोपी पत्नी पल्लवी सोनोवाल को नोएडा की एक पॉश सोसाइटी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। साल एक ई मैट्रिमोनियल साइट का फ्रॉड का क्या कहते हैं मामला दर्ज हुआ था थाना पर, जिसमें एक नाइजीरियन विदेशी आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसमें कि इनके द्वारा क्या कहते हैं फर्जी आईडी बनाकर मैट्रिमोनियल साइट पर और एक एक लड़की के साथ में फ्रॉड किया था कुछ क्या कहते हैं फर्जी अधिकारी बनकर। तो उसी में ये आरोपियां भी काफी समय से जो कि उस नाइजीरियन की पत्नी थी जो उसके साथ में ही क्या कहते हैं इस अपराध में सहयोगी थी, तो वो काफी समय से फरार थी, तो उसी को क्या कहते हैं गिरफ्तार किया गया।